अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चार पांच मेथड्स आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं, तो हम ये करेंगे कि इस वीडियो के अंदर तीन मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर सारे करें तो वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जिस तरह हमने बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हमने सेम पैटर्न को फॉलो किया है, ठीक है। उनका नॉर्मल क्लेचर पढ़ते रहे, फिर उसके बाद उनकी प्रिपरेशन पढ़ते रहे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन के बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस, ठीक है। फिर कुछ ऐसे थे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनकी हमने एप्लीकेशन भी डिस्कस की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन के का जो फर्स्ट मेथड है, ये इससे पहले मैं काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे पीछे हमने 5 चैप्टर्स पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो काफी दफा इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूँ। जो फर्स्ट मेथड है कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स और उसके बाद एल्डिहाइड्स जो है, इनको यूज करते हुए हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो बहुत सिंपल मेथड है, हमने जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, और हमने प्राइमरी अल्कोहल्स हो या एल्डिहाइड्स हो, हमने उनकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई प्राइमरी अल्कोहल, में ले लेता हूँ CH3, ठीक है, OH, ठीक है, CH3 OH, बल्कि एसिटिक एसिड लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, CH3CH2OH, ठीक है। हम इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीजन में लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये फौरन से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3CHO के अंदर, ठीक है, CHO, ठीक है। ये जो बना हमारे पास, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि आपने पढ़ा, आपने एक पैटर्न पढ़ा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर, alkanes are converted into alcohols when they are oxidized and alcohols are converted into aldehydes, aldehydes are converted into carboxylic acids. ये पूरा एक पैटर्न चलता है। तो इसकी जब हम फर्दर, मैं नीचे लिख देता हूं, इसकी जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, बल्कि आगे लिखता हूं, स्पेस है, इसकी जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, हम एसिटिक एसिड की जगह कोई और भी यूज कर सकते हैं, हम फॉर्मिक एसिड, सॉरी, जो हमारे पास मैथनॉल है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोपानॉल को भी, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को हम इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मैं सपोज कोई एल्डिहाइड लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं CH3CH2CH, ठीक है जी, ये प्रोपन एल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी जिस वक्त मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, वही हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया K2Cr2O7, ठीक है, फिर द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखें अब ये एल्डिहाइड है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो इस पर ये क्या बनेगा, CH3CH2COOH। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल्स को यूज किया और एल्डिहाइड्स को हम यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, वो है जी फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अब ये क्या चीज होती है, अल्केन नाइट्राइल्स, TRIALES, अल्केन नाइट्राइल्स क्या होते हैं जी, सबसे पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है, अल्केन नाइट्राइल्स, देखें अल्केन, ठीक है, अल्केन का मतलब कि कोई बी आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप ये वाला होता है सी एन, सयानो ग्रुप नाइट्रोजन लगा है कार्बन के साथ, इसको अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। हमने इस अल्केन नाइट्राइल को यूज करते हुए किसकी प्रिपरेशन करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि हमने इस अल्केन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कैसे करें, सपोज ये मैंने R लिखा होगा ना, तो इस R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर जो
अल्काइल ग्रुप है वो है CH3, तो मिथाइल नाइट्राइल इसका नाम बनेगा। क्या नाम है जी? मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप फैल गया। मिथाइल नाइट्राइल को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कैसे करेंगे? आपने यूज करना है वाटर, ठीक है, किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, HCl सपोज, ये मिनरल एसिड में यहां पर यूज करता हूं। तो होगा क्या, देखें, मैं वाटर के यहां पर दो मॉलिक्यूल्स यूज करता हूं। यहां पर आप कैलकुलेट करें कितने टोटल हाइड्रोजन है, 2 ये और 2 ये पीछे जो मैंने लिखा, 2 2 4 हाइड्रोजन है। एक टेक्निक यहां पर यूज करनी है, इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं, पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं एमसीक्यूज में सिर्फ प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो फिर भी आप इस टेक्निक, ये टेक्निक अगर आपके माइंड में है तो आप इजीली उस एमसीक्यू को ठीक कर सकते हैं, उसके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपने करना ये है कि देखें ऑक्सीजन कितना है, पीछे 2 लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन हमने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, तो ये वाला इसी तरह रहेगा। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन मैंने लिख दिया, नाइट्रोजन को मैंने हटा दिए यहां से। कितने ऑक्सीजन है ये? यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन में इसके साथ यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन मैंने लिख दिए, ठीक है। अब यहां से एक हाइड्रोजन, ये वाला जो है हाइड्रोजन, इसको उठा ले, इस हाइड्रोजन को उठा ले और यहां पर इसके साथ लगा दे, तो क्या बना जी? CH3COOH, यानी कि एसिडिक एसिड हमने बना लिया। अब ये बचा जो नाइट्रोजन, ठीक है, एक ये नाइट्रोजन बच गया, ठीक है, और उसके बाद ये वाले 4 हाइड्रोजन बच गए और एक ये Cl बच गया। तो एक नाइट्रोजन इसके साथ 4 हाइड्रोजन, मतलब कि अमोनियम आयन, ठीक है, और एक जो Cl है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड बना देगा। समझ रही बात की? तो हमने अल्केन मिथाइल नाइट्राइल, यानी कि अल्केन नाइट्राइल से हमने प्रिपरेशन कर ली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड जो थर्ड मेथड है वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ये रिमूव किया। तीसरा मेथड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उनका ये रिपीट हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं समझा देता हूँ। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट काफी दफा पहले मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल RMG और इसके साथ X, दिस इज कॉल्ड अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम के एक तरफ अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर मैं जो हेलोजन लगाता हूँ वो Cl है, और यहां पर जो मैं अल्काइल ग्रुप लगाता हूँ वो CH3 है, ठीक है। इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमने प्रिपरेशन करनी कार्बोक्सिलिक एसिड की, कैसे करें? तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना। मैं कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखता हूँ, C2O2, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना है, ठीक है, और यूज करनी है जी ड्राई ईथर, ये बात याद रखिएगा, ड्राई ईथर इज मस्ट हियर। अच्छा, अब होगा क्या, देखें, ये जो आपके पास मैग्नीशियम है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर वैसे आता पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज कंपेयर टू कार्बन, देयर फोर कार्बन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज हियर, और यहां पर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखें होगा क्या, ये जो कार्बन है जो जो कि पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। अब क्यों करेगी? क्योंकि ये कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, बाकी इसके साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगे हैं जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये होगा जब इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स अगले ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगी, ठीक है जी। तो क्या सिचुएशन बन जाएगी जरा देखिए, बड़ी काबिले गौर बात है। ये कार्बन थी, इस कार्बन के ऊपर हुआ जी अटैक। अटैक ऐसे हुआ जी कि जो ही अटैक हुआ तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर दिए इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पर आप फुली नेगेटिव आ गए, ठीक है। अब इसके ऊपर अटैक किसने किया, इस कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया, इस CH3 ग्रुप ने अटैक किया, ठीक है। तो मैं CH3 ग्रुप के अटैक को ऐसे लगा देता हूँ इसके साथ, ठीक है जी। बाकी जो डबल बॉन्ड ओ था इसको एज इट इज यहीं पर ही रहने दे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ को ऐसे। बाकी बचा ये वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप उठ के MgCl की फॉर्म में इसके साथ लग जाएगा,
तो क्या बना CH3 सी डबल बॉन्ड O OMgCl। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने यूज करना है जी हाइड्रोनियम आइंस भी बोल सकते हैं आप इनको, हाइड्रोजन आइंस भी बोल सकते हैं, मैं हाइड्रोजन आइंस लिखता हूं। आपने ये करना है कि यहां पर आपने हाइड्रोनियम आइंस यूज करने, ठीक है, हाइड्रोनियम आइंस आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ऑक्सीजन जो है इसको यहां से एक हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें जिसको हाइड्रोनियम भी बोलते हैं, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसके साथ जो एम जी सी एल है इसको यहां से सेपरेट आउट कर दें, इसको रिमूव कर दें, तो एम जी है, ठीक है, इसके साथ एक सी एल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से जो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बचेगा, ठीक है, उस हाइड्रोक्सल ग्रुप को यहां पर इसके साथ लगा दें। ठीक है, तो देखें आपने किसकी प्रिपरेशन की जी, एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की, किसको यूज करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, और कैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो है वो अटैक करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये तीन मेथड्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, ठीक है, जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, ये तीन मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, याद रखिएगा जो नेक्स्ट टू मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह इसी की जो अगली वीडियो है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जितने भी प्रिपरेटरी मेथड्स हैं वो कंप्लीटली तौर पर समझ आए।